प्रणाम। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अध्यात्म और हमारे भारतीय समाज का लोक व्यवहार और लोक संस्कृति जो है वो हमारी एक सर्वोत्कृष्ट विशिष्टता है। तो हमारे इस सत्र में हमको जो मार्गदर्शन मिलने वाला है आदरणीय सम्मानीय डॉक्टर कपिल तिवारी जी का, और विषय है लोक और शास्त्र। हम इस सत्र का आरंभ करने से पूर्व मैं उनका परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर कपिल तिवारी जी, आप सागर में ही प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा सागर विश्वविद्यालय से जनजातीय और लोक सांस्कृतिक कला रूपों और मौखिक साहित्य परंपराओं के क्षेत्र में देश के प्रमुख अध्येताओं में से एक है। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी, जो कि संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आता है, उसके आप पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। वर्तमान में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जो कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है, के सदस्य है आप। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के आप सलाहकार सदस्य है। भारत सहित कुछ एशियाई देशों की अभौतिक सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और दस्तावेजीकरण की योजना के भारत में यूनेस्को द्वारा मनोनीत सदस्यों में विशेषज्ञ सदस्य है आप। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के संयुक्त उपक्रम भारतीय लोक संस्कृति के विश्वकोश एक के निर्माण योजना के विशेष और विशेषज्ञ सलाहकार है आप। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की संस्कृति परिषद के सदस्य है आप। बहुकला केंद्र भारत भवन के न्यासी सदस्य है आप। पारंपरिक भारतीय संस्कृति के अलावा अपनी निजी अभिरुचि के चलते भारतीय साधना प्रणालियों, उनसे संबंधित ज्ञान परंपराओं, विशेष रूप से आगमिक साधना और तत्व दर्शन परंपरा का अध्ययन, शैव और शाक्त आगम परंपरा के साथ ही बौद्ध और जैन आगम परंपराओं का भी अध्येता है आप। भारतीय ज्ञान परंपरा में संस्कृति के मूलाधारों के संरक्षण संवर्धन के संकल्पना में सतत सक्रिय है आप। इन दिनों मानव सत्ता शक्ति और उसके रूपांतरण पर केंद्रित एक लंबे विनिबंधन का लेखन कर रहे हैं। एक पुस्तक लोक दर्शन की भूमिका का लेखन कार्य, जिसमें संस्कृति के लोक आधार के प्रमुख तत्वों पर विश्लेषण केंद्र में है। कबीर वाणी जैसे कि साखी, सबद, रमैनी और बीजक में निहित ज्ञानार्थ पर केंद्रित एक विशिष्ट मोनोग्राफ भी कार्य आपका जारी है। सर, एक बार आपको नमस्कार और प्रणाम। नमस्कार आपको हम आमंत्रित करते हैं कि आप हम सभी का मार्गदर्शन करें। जी, आप सभी लोगों के लिए नमस्कार है। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले ही मैं जनजातीय परंपराओं की धर्म धार्मिकता और अनुष्ठानों आदि पर आपसे कुछ चर्चा कर रहा था। आज आप लोगों ने तो रखा था देसी और मार्गी, तो वो विषय संगीत के सिलसिले में कुछ रूढ़ सा हो गया है। तो इसके लिए ज्यादा अच्छा शब्द ये है कि ज्ञान की लोक परंपरा और ज्ञान की शास्त्र परंपरा। इसका एक विस्तार हमें शास्त्र में और लोक में दोनों जगह देखने के लिए आज विषय को केंद्रित करना होगा। मैं सोचता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि दरअसल सब तरह का ज्ञान, वो शास्त्र में आया हो या लोक में आया हो, वो जीवन के पहले नहीं हो सकता। जीवन केंद्र में है, जीवन पहले है, जीवन का ज्ञान उसके बाद में है। लोक जो है उसकी ज्ञान परंपरा मूलतः जीवन की व्यवहारिक पाठशाला से निर्मित होती है। वो जो कुछ करता है उससे ही सीखता है और उससे एक ज्ञान परंपरा का निर्माण सैकड़ों हजारों वर्षों में होता है। उनका संसार बहुत बड़ा नहीं है, तो हमें ये देखना चाहिए कि शास्त्र की परंपरा के ज्ञान से एक अर्थ में प्रतिकृत होते हुए भी
लोक का जो ज्ञान है वो मूलतः लौकिक का ज्ञान है, इस लौकिक के भीतर की एक दिव्यता भी वे निर्मित करते हैं। लेकिन शास्त्र जो है उसका उसका जीवन जीवन का विस्तार, जीवन की गहराई बहुत बड़ी है, वो समष्टि व्यापी है, क्योंकि साधना के गहन अनुभव से आने वाला ज्ञान जो है शास्त्र तत्वतः उससे निर्मित हुए हैं। हम अगर श्रुति को ही केंद्र में रखें, जिसको एक अर्थ में मूलभूत वैदिक ज्ञान कहते हैं, तो इस बात का स्मरण रखना होगा कि बड़ी लंबी साधना तपश्चर्या नमस्ते। आई थिंक कपिल जी गॉट डिस्कनेक्टेड, वी आर रीचिंग आउट टू हिम, ही विल बी जॉइनिंग अस नाउ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, यस, थैंक यू जी, थैंक यू। मैं निरंतर करूं आगे? मैं बोलना जारी रखूं? आपको आवाज आ रही है? श्री हरि जी, कपिल जी ऑडिबल हैं क्या? हाँ जी, ही इज ऑडिबल, बट थोड़ा बीच में कट रहा है आवाज। अब आवाज आ रही है आपके लिए? जी आ रही है, थैंक यू जी। मैं इसको जारी रखता हूं। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि शास्त्र की परंपरा का ज्ञान एक विशेष तरह की साधना प्रणालियों के भीतर हुआ है। साधना की बहुत सारी प्रणालियां भारत में प्रचलित रही हैं और लंबी तपश्चर्या और साधना के किसी एक क्षण में एक साधक के समक्ष जब कोई प्रकाश अनुभव होता है उसमें उसके समक्ष सत्य प्रकाशित होता है। इसीलिए हमने भारतीय ज्ञान परंपरा में अपने ऋषि को दृष्टा कहा है, देखने वाला कहा है। वो है जिसने सत्य को प्रकाश की तरह अपने समक्ष देखा। परवर्ती कालों में ये जो ज्ञान ये शब्द की परंपरा में जितनी प्रयास हुआ है इससे हमारे ये जो है ये अकेले भौतिक जीवन के संदर्भ में जहां तक ये लौकिक जीवन है केवल इससे संबंधित ज्ञान नहीं है, वो दरअसल समष्टि व्यापी है। इतनी विराट समष्टि में कौन है जो इसको चलाता है, कौन है जो इसकी गति को नियंत्रित करता है, कौन है जिसने जीवन की रचना की है, कौन है जो जीवन के केंद्र में है, ये सारे सवाल मनुष्य के समक्ष होते हैं। हमारे शास्त्र की परंपरा का ज्ञान जो है वो इनके साथ एक साक्षात्कार करता है और उनके उत्तर देने की कोशिश करता है। ये समझने की बात है कि जितनी दूर तक हम जीवन को जानते हैं, जितनी गहराई में जानते हैं, उतनी ही दूर तक हमारे सामने सत्य का प्रकाश उद्भासित होता है। इस अर्थ में हमारे देश में
शास्त्र का जो ज्ञान है उसको स्वप्रमाणित कहा गया है। स्वप्रमाणित इस अर्थ में कि दरअसल उसकी सत्यता का प्रमाण बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रमाणित है क्योंकि वो एक ऋषि के समक्ष सत्य के एक प्रकाश की तरह जन्मरा में भाषा के चार कहे गए हैं। पहला रूप है वैदिक का, जो शब्द और अर्थ के द्वैत में है, जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय संप्रेषण में, लेखन में, सब जगह करते हैं। मध्यमा कहा है, मध्यमा के वाक का भाषा नहीं है, उसमें सारी प्राणी कोई हर प्राणी किसी माँ का जो वाक है वो पूरी प्राणी सबका। तीसरा रूप हमारे देश में कहा गया है वो है पश्यंती का, पश्यंती शब्द है इसका देखने का अर्थ ये है जो अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि प्रकाशित होता है, प्रकाशित होता है वो उस चौथा रूप जो है उसको पराबाहक अवस्था का मतलब है कि की तरह देखने वाले एक दृष्टा ही नहीं बने रहना है। हम ज्ञान के देखने वाले ना हो, ज्ञान ही हो जाए। ये एक आपतकाम अवस्था है जिसमें ऋषि, जो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे ऋषि हुए हैं जो जिनके लिए कहा जाता है कि वे ज्ञान रूप हुए। अर्थात उनका सारा आचरण जो है वो ज्ञानमय है, इसीलिए कुछ शिष्यों को उनकी सन्निधि में रख के ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा गया। वे बरसों उनके साथ रहे, उनका चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, उनका सारा व्यवहार, उनका बोलना, ये सारी चीजें ज्ञानमय है। ज्ञान को हमने वाक का विषय बना के बड़ा सीमित सा कर दिया है। वास्तविकता ये है कि ज्ञान जब आचरण में आता है, ज्ञान रूप कोई ऋषि होता है, तो सारा जीवन ज्ञान के लिए एक पाठशाला बन जाता है। ऐसे अद्भुत आचार्य हमारे देश में रहे हैं और उनकी एक परंपरा रही है जिनसे लोगों ने अकेले वाक में नहीं, वाक के बाहर जीवन के व्यवहार में भी ज्ञान को सीखा है। इसलिए ये कहा है कि ये जो सत्य की उद्भावना प्रकाश रूप में है, ये अपना प्रमाण स्वयं है, इसको सत्य प्रमाणित करने के लिए बाहर से प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक और भी बात है, शास्त्र की ही परंपरा ये कहती है कि अगर शास्त्र के बारे में कभी कोई विभ्रम हो जाए या उसमें मतांतर हो तो उसका निर्णय शास्त्र नहीं करेंगे, उसका निर्णय लोक करेगा। और शास्त्र ने ऐसा इसलिए किया और कहा कि लोक का जो ज्ञान है जीवन व्यवहार का, वो नदी के एक प्रवाह की तरह है, जीवन निरंतर चल रहा है और वो ज्ञान अपने आप को लगातार नवाचार से समृद्ध करता, नया होता रहता है। इसलिए शास्त्र को प्रमाण मतलब विभ्रम का निर्णय करने के लिए लोक को प्रमाण माना गया है। अब ये दो परंपराएं हैं जिनमें ज्ञान संभव हुआ, धर्म संभव हुआ और संस्कृति संभव हुई। इस बात को बहुत ठीक से समझ लीजिए कि हमारे हमारी लोक और जनजातीय परंपरा में धर्म और संस्कृति दो चीजें नहीं। हम लोगों ने एक दूरी बना ली है, एक जीवन है जो धर्म का जीवन है, एक जीवन है जो सांस्कृतिक परंपरा का जीवन है, एक जीवन है जो कला परंपरा का जीवन है। ऐसा नहीं,
दरअसल हम जिन समुदायों की जनजातीय जीवन के संदर्भ में बात करते हैं या लोक समुदायों के संदर्भ में बात करते हैं, वहां धर्म और संस्कृति दो चीजें नहीं, वो एक ही है। दरअसल एक धार्मिक जीवन की सुदीर्घ परंपरा के भीतर एक संस्कृति का धीरे धीरे निर्माण होता चला जाता है। वो संस्कृति जीवन परंपरा से जुड़ी हुई होती है, हमारे पर्वों के साथ, त्योहारों के साथ जो अनुष्ठान जुड़े हुए हैं, जो नृत्य जुड़े हुए हैं, जो संगीत जुड़ा हुआ है, जो वाचिक परंपरा जुड़ी हुई है, जो चित्र परंपरा जुड़ी हुई है, जो शिल्प परंपरा जुड़ी हुई है, ये संस्कृति का जो जीवन है ये उसके साथ एकमेक है। ये विडंबना तब आती है जब धर्म से संस्कृति अलग होती है और संस्कृति के केंद्र से कला अपने आप को अलग कर लेती है, तो ये तीन जीवन हो जाते हैं। अब इसमें कला स्वतंत्र होके किसी सांस्कृतिक परंपरा से अपने आप को प्रतिकृत नहीं करती, वो उसके साथ सहयात्रा नहीं करती, उसका अपना एक जीवन है। जब जिसको समझ में आएगा वो नर्तन कर सकता है, वो किसी पर्व या त्योहार की प्रतीक्षा में नहीं होता। लेकिन हमारे लोक और हमारे जनजाति जीवन की जो परंपरा है, उस पूरी देसी परंपरा में अगर नर्तन होगा, नृत्य की शैलियां हैं, तो वो हर त्योहार और पर्व के साथ जुड़े हुए नृत्य की विशेष शैलियां हैं, गीत की विशेष शैलियां हैं, विशेष तरह के अनुष्ठान हैं, विशेष तरह के चित्र हैं और विशेष तरह के शिल्प हैं। जनजातीय परंपरा में तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब उनकी शिल्प परंपरा का थोड़ा अध्ययन मैं कर रहा था, तो मैं इस बात को लेकर थोड़ा हैरत में आया कि उनकी लगभग 80% शिल्प परंपरा, वो मिट्टी में हो, धातु में हो, लकड़ी में हो, लोहे में हो, पीतल में हो, जितने तरह के माध्यमों में शिल्प बनाए जा सकते हैं, उसका 80% हिस्सा जो है वो मूलतः देवगुड़ी में अर्पित करने के लिए है। वो मातृ शक्तियों या देवताओं की मूर्तियां और उन्हीं के शिल्प है, और 20% हिस्सा ऐसा है जिसको हम एक तरह से एस्थेटिक कह सकते हैं। इसी तरह से उनके हर पर्वों और त्योहारों के साथ जुड़े हुए नर्तन परंपरा के रूप हैं। कभी भी कोई नृत्य नहीं होता, उसका एक समय है, अवसर है, पर्व है, त्योहार है, अनुष्ठान है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि वो जो पूरी कला परंपरा है वो जीवन की एक संस्कृति परंपरा से जुड़ी हुई है, और वो जो पूरी संस्कृति है वो एक तरह की ज्ञानात्मक धार्मिक परंपरा से जुड़ी हुई है। इसलिए जो ज्ञान है लोक का, उसमें धर्म, संस्कृति और कला, इन तीनों को शामिल करना होगा, अर्थात रचना और अभिव्यक्ति को उसमें शामिल करना होगा, तब उसमें एक तरह की पूर्णता आती है। अब हमारे शास्त्र का जो ज्ञान है, शास्त्र के ज्ञान से जिन अनुशासनों में कला का विकास हुआ और संस्कृति का विकास हुआ, सांस्कृतिक परंपरा तो एक और अभिन्न रही लोक और नागर समाजों में, लेकिन परिष्कार और अभ्यास के कारण धीरे धीरे संगीत और नृत्य विशेष रूप से इनकी परंपराओं में एक तरह की व्याकरणबद्धता का विकास हुआ, इनके शास्त्र बने और उनके कुछ विशेष गुरुकुल भी थे, संगीत के गुरुकुल हम आज जिनको घराने कहते हैं, इसी तरह नर्तन परंपराओं के सिलसिले में भी है। ये एक तरह के शास्त्रीय अनुशासन में विकसित हुए हैं, और ये शास्त्रीय अनुशासन जो है लंबे अभ्यास में किसी गुरु के मार्गदर्शन में किया जाता है, और उसकी जो शैली है उस शैली की विशेषता के कारण कुछ खास तरह के घराने जो हैं संगीत में उनको हम जानते हैं। जैसे संगीत का जयपुर घराना, संगीत का पटियाला घराना, संगीत का ग्वालियर घराना, संगीत का किराना घराना, ये घराने का क्या अर्थ हुआ? वो एक खास तरह की विशेषता के साथ संगीत की शास्त्रीय परंपरा का विकास, उसका रूप, वो हमारी सांगीतिक धरोहर है, वो परंपरा आज भी अबाधित है, शास्त्र के आश्रय में चल रही है। इसी तरह से हमारे देश में जो शास्त्रीय नृत्यों की शैलियां हैं, चाहे वो भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, मणिपुरी हो, ये सारे 6-7 जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य भारत में हैं, इन सारे नृत्यों के साथ भी एक तरह की शास्त्रबद्धता जुड़ी हुई है। नर्तन का अपना एक अभ्यास है, अपना एक व्याकरण है,
और अपना एक स्वरूप है, उसकी एक विशेष वेशभूषा है। तो वो जो पूरी परंपरा है उस परंपरा पे थोड़ा सा विचार मैं इसलिए करना चाहूंगा और उसका निवेदन भी करूंगा कि इस देश में शास्त्रीय नृत्य भी हम जिनको कहते हैं उनमें से अधिकांश नृत्यों का विकास जो है वो मंदिरों में नृत्यार्चन के रूप में हुआ है। मसलन एक उदाहरण मैं आपको उड़ीसा से दूं, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के मंदिर में जो गोटीपुआ पहले किया जाता था, वो छोटे बालक उसको करते थे, वो एक लोक परंपरा की तरह आरंभ हुआ और नृत्यार्चन की एक शैली के रूप में विकसित होना शुरू हुआ। कालांतर में बहुत बड़े जो आचार्य थे नृत्य के, उनके द्वारा उसका अनुशासन रचा गया, एक खास तरह का व्याकरण रचा गया और उससे ओडिसी नृत्य शैली का जन्म हुआ। इसका मतलब ये है कि लोक और शास्त्र की परंपरा में एक तरह का अंतर संबंध था, वो एक अगला चरण था उसका, उसकी परिष्कृति उसका अगला चरण था। तो भरतनाट्यम के सिलसिले में भी दक्षिण में यही सच है, मंदिर में नृत्यार्चन के रूप में शुरू हुआ था। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि भारत में धर्म और संस्कृति, संस्कृति और कला, इनके जीवन में जो शास्त्रबद्धता है और जो लोक शैलियां हैं इनको जोड़ के देखने की जरूरत है, क्योंकि उनका आधार एक अविच्छिन्न सांस्कृतिक परंपरा और ज्ञान के बोध से जुड़ा हुआ है। अब जनजातीय जीवन में हमें ये देखना होगा कि उसका उसके केंद्र में है प्रकृति, उसके केंद्र में है वन, उसके केंद्र में है पर्वत, जिनको जहां रहने वाले लोगों को आप गिरिवासी कहने लगे हैं। अब बड़ा परिवर्तन ये घटित हुआ है कि ब्रिटिश राज के बाद धीरे धीरे वो जो जीवन है उसमें व्यवधान आना शुरू हुए, अभयारण्य बनाए गए या राजस्व ग्राम बनाए गए और वनों पैसे आदिवासियों का जो अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। तो वो जो जीवन वनों पे आश्रित था उसकी एक अपनी जो निरंतरता थी वो भंग हो गई। यानी वनों के ऊपर उनका नैसर्गिक अधिकार नहीं रहा, तो एक बड़ा आधार उसके पीछे से खींच लिया गया। हमारे लोक समाज जो हैं, जैसे जनजाति और गिरिवासी समाजों की संस्कृति और धार्मिक आधार के केंद्र में वन और प्रकृति रही है, ठीक उसी तरह से हमारे लोक समाजों और लोक परंपरा के केंद्र में भूमि, भूमि के साथ उसका जो संबंध है इसको हमें समझना पड़ेगा। इससे दो तरह की परंपराओं का विकास हुआ, एक वो जो प्रकृति के साथ यात्रा करती हुई एक तरह की धार्मिकता, एक तरह की संस्कृति और एक तरह की कला विकसित करती है, और दूसरी परंपरा जो जिसको हम लोक की परंपरा कहते हैं उसके केंद्र में रही है कृषि, कृषि की पूरी व्यवस्था और उसके साथ में जुड़ा हुआ पशुपालन, ये हमारा लोक समाज है। अब इसके साथ जो संस्कृति आती है उसमें हमें ये समझना पड़ेगा, देखिए हलधर बलराम और गोचारण करने वाले गोपाल कृष्ण जो है, इनकी युति हमसे क्या कहती है? इनकी युति का अर्थ ही यह है कि दरअसल कृषि और पशुपालन जुड़ी हुई चीजें। ये भारतीय धर्म और ज्ञान परंपरा का एक महान रूपक भी है। जब हम उनको जोड़ के देखना शुरू करेंगे तो हमें भी सब चीजें उनका एक एक तार समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए कि ऐसा कहा जाता है कि भारतीय लोक परंपरा में जितने तरह के नृत्य हैं लगभग 240 शैलियां, 240 तरह के लोक परंपरा के भारतीय नृत्य जो हैं, जनजातीय परंपरा के नृत्य जो हैं, उनको तो मैंने देखा है और उनकी नोटिंग की है। इसका मतलब है कि शायद ही धरती पे कोई दूसरी सामाजिक परंपरा ऐसी होगी जिसमें 240 तरह से लोक और जनजातियों ने नृत्य संभव किया, एक असाधारण घटना है। और इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जैसे बड़े जो स्कॉलर हैं उन्होंने कहा
कि सबसे पहले भारत में जिस एक लोक नृत्य का जिक्र मिलता है उसका नाम हल्ली रास था। हल्ली रास वो मंडलावर्त नृत्य था और स्त्री पुरुष मिलके हाथ में डंडे लेके उस नृत्य को करते थे। जब श्री कृष्ण ने मथुरा से हटके द्वारिका में अपनी राजधानी बनाई, राज्य बनाया, तो ये जो हल्ली रास की लोक परंपरा का नर्तन था ये गुजरात चला गया और आज का जो डांडिया रास और गरबा जो है ये उसी की दो अलग शैलियों के रूप में विकसित हुआ है, लेकिन इसके मूल में हल्ली रास की ब्रज परंपरा ही है, यानी इनके तार ऐसे जुड़ते हैं। अब ये देखिए कि इससे शास्त्रीय परंपरा का विकास कैसे होता है, पूरी वैष्णव परंपरा की जो कला है और साधना है वो कैसे आपस में जुड़ी हुई है और उसके साथ कैसे ज्ञान परंपरा जुड़ी हुई है। हम अष्टछाप के कवियों को ले लें, हम हवेली संगीत को ले लें, हम पिछवाई की पेंटिंग परंपरा को ले लें, हम श्री कृष्ण और उनके जीवन से संबंधित जो मूर्ति निर्माण कला है उसको, तो हमें उनके तार आपस में जुड़े हुए दिखते हैं, जहां धर्म परंपरा, ज्ञान परंपरा, संस्कृति परंपरा और कला परंपरा अलग अलग नहीं है और उसी से दो रूपों में उनका विकास हुआ है। हवेली संगीत जो है वो पुष्टि मार्गी वैष्णव परंपरा का की एक संगीत शैली है और उसको मंदिरों में ही संभव किया गया था, आज भी वो परंपरा आबादित है, उसके कई संगीताचार्य अभी जीवंत परंपरा में प्रदर्शन भी कर रहे हैं बाहर और अपने मत और मंदिर के भीतर उसका गायन अभी भी लगातार करते रहते हैं। इसी तरह पिछवाई की जो परंपरा है वो श्रीनाथ जी के विग्रह के पीछे लगाए जाने वाले कृष्ण के जीवन के विविध प्रसंग जो हैं उनकी एक कपड़े पे चित्र पेंटिंग है जो लगाई जाती है। पिछवाई इसलिए कहते हैं कि विग्रह के पीछे लगा के उस समय विग्रह की पूजा आरती जब होती है तो विशेष रूप से उसको पवित्र माना जाता है और एक खास समुदाय के लोग नाथ द्वारा में उसको संभव करते हैं। मेरा ऐसा अनुमान है कि ये प्राचीन परंपरा कहीं ब्रज की ही रही होगी जो नाथ द्वारा बाद में गई है, आज वो बड़ी विकसित कला के रूप में, चित्रकला की एक परंपरा के रूप में सुविख्यात है। तो इसमें वो अपने आप में उपासना, वो चित्र बनाना उपासना का एक ढंग भी है, पूजा अर्चन का एक ढंग भी है, वो अपने आप में एक ज्ञान भी है वैष्णवों का, वो अपने आप में एक उपासना पद्धति भी है और वो अपने आप में एक कला भी है। इनके अंतर संबंधों को जब हम मिला के देखना शुरू करेंगे तब हमें भारत में लोक की परंपरा और शास्त्र की परंपरा जो है वो समझ में आना शुरू होगी। अब ये वैष्णव परंपरा के बारे में मैं आपसे अनेक तरह के उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन भारत की धार्मिक परंपरा में दो प्रमुख अवतारों ने जो लीला जीवन जिया उसका पूरे भारतीय जनमानस पे और विशेष रूप से भारत के लोक पे बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। अब हमें इसको समझने की जरूरत है। आपने सुना ही होगा कि बनारस में रामनगर की जो रामलीला होती है वो काशी नरेश के संरक्षण में बहुत लंबे समय से चल रही है और उसमें 15-16 किलोमीटर के क्षेत्र में अलग अलग रामकथा प्रसंग अलग अलग मंचित किए जाते हैं। तो सारी दुनिया में शायद ही कोई दूसरी नाट्य परंपरा ऐसी हो जो 15-16 किलोमीटर के इलाके में की जाती हो। शायद इसीलिए रिचर्ड शेक्नर और लिंडा हेस ने एक मोनोग्राफ में उसमें उसको दुनिया का सबसे बड़ा रंगमंच कहा था कि इतना विशाल रंगमंच इस धरती पे दूसरा और कोई नहीं है। अलग अलग प्रसंग अलग अलग स्थानों पे मंचित होते रहे हैं और उसमें शामिल होने वाले जो लोग हैं वो दरअसल नेमी कहलाते हैं, साधु बहुत होते हैं उसमें, उनको नेमी कहा जाता है, कुछ दर्शक भी होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि उस लीला को करना और उस लीला को देखना दोनों ही वैष्णव परंपरा के अंतर्गत उपासना की एक
विधि लीला को देखना एक तरह की उपासना में होना ही है, उसके लिए एक आस्था लगती है, एक भाव लगता है और वे ही लोग उसको संभव भी करते हैं। उसका आधार आज तक कभी व्यावसायिक नहीं हुआ है। हमें ये समझने की कोशिश करना चाहिए, ये बड़ा मूल्यवान शब्द, दो शब्द हैं हमारे ज्ञान परंपरा में जिनको बड़े सावधानी से बरतना भी चाहिए और उनके सम्यक अर्थों को ग्रहण करने का प्रयत्न भी हमें करना चाहिए। एक शब्द है लीला। लीला का क्या अर्थ हुआ? हम जीवन को एक लीला कहते हैं, हम इन दोनों अवतारों के बारे में लीला शब्द का प्रयोग करते हैं। लीला बहुत अद्भुत शब्द है। और दूसरा शब्द है जिसको हमारी परंपरा में माया कहा गया है। जब हम इन दोनों शब्दों के सम्यक अर्थों को समझ लेंगे तो भारतीय ज्ञान परंपरा के बहुत सारे अर्थों का उद्घाटन हमारी चेतना में अपने आप होगा। हम समझ सकेंगे कि वो शब्द निवेश जहाँ किया गया है वहां कौन सा अर्थ अपने आप को प्रकट कर रहा है। माया का अर्थ हुआ कि देश काल की सीमा के भीतर लौकिक के इस जगत में, इस भौतिक के जगत में, जहां काल और क्षेत्र की शक्ति मनुष्य के जीवन को, प्राणियों के जीवन को, प्रकृति के जीवन को चला रही है, जो पंचतत्वात्मक है और त्रिगुणात्मक है, इस पूरे जीवन के भीतर परिवर्तन ही महानियम है। यहां कोई भी चीज स्थिर नहीं है। यानी हमें ये कहना चाहिए एक अर्थ में कि काल की शक्ति इस जीवन को निरंतर परिवर्तित करके नया करती रहती है और समाप्त भी करती है। इसका अर्थ हुआ कि यहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्थिर हो। इस जगत में और जगत के केंद्र में जो शक्ति काम कर रही है उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो स्थिर हो, वो निरंतर अपने को बदल रही है। तो हमें जब हम माया शब्द कहते हैं तो इसका अर्थ इस रूप में लगाना चाहिए कि दरअसल एक प्रक्रिया है लौकिक का जीवन, एक प्रक्रिया है भौतिक का जीवन, इसको है की जगह हो रहा है, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि जब तक हम कोई चीज कहते हैं तब तक वो बदल चुका होता, उसकी उसकी जो तथ्यता है वो बदल चुकी होती है। एक शिशु जो है वो किशोर हो रहा है, एक किशोर जो है वो युवा हो रहा है, एक युवा जो है वो प्रौढ़ हो रहा है, एक प्रौढ़ जो है वो वृद्ध हो रहा है। ऐसी एक प्रक्रिया में जीवन मनुष्य का और प्राणियों का चलता है। इसका अर्थ ये है कि तरह जब हम कोई शब्द कहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी स्थिर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि जगत का सत्य ये है, इस लौकिक के जगत का सत्य ये है, इस पंचतत्वात्मक और त्रिगुणात्मक रचना का सत्य ये है कि दरअसल ये एक प्रक्रिया में है और अपने आप को बदल रहा है। यहां कोई भी चीज स्थिर नहीं है, ये जगत की एक माया, मायिक सत्य वो है जो अपने को निरंतर बदल रहा है। और जब इसके पार जाने की बात की जाती है, हम शास्त्र की परंपरा का ज्ञान स्मरण करते हैं, तो वो है क्या कि दरअसल जीवन की ये जो लीला है, इस लीला के भीतर मायिक सत्य जो हैं, ये जिस तरह आभासित होते हैं, इनकी तथाता उतनी सत्य नहीं है, वो वैसी नहीं होती है। हमें प्रक्रिया की तरह देख के इसमें से गुजर जाना चाहिए। हम एक विराट जीवन के अंग हैं, सारी समष्टि हमारे जीवन को संभव करती है और इस सारी समष्टि के केंद्र में कोई नहीं। एक शब्द है, वैदिक शब्द है, जिसको हमने ऋत कहा है। ऋत का अर्थ हुआ, ये ऋग्वेद में आया है शब्द, इसका अर्थ हुआ समष्टि को संचालित करने वाले, समष्टि में ही समाहित परम नियम, वे नियम जो इसकी स्थिति और गति को चला रहे हैं। इसको कोई चला नहीं रहा है, इसके नियम ही इसको चला रहे हैं, इसके लिए कहा है ऋत। तो एक अर्थ में ये समझना चाहिए कि इतनी विराट सृष्टि की जो भगवत्ता है उसको उसका स्वयं उसका ऋत ही संचालित कर रहा है। बिल्कुल ठीक इसी शब्द के इसी शब्द से प्रेरणा लेके ऋतु शब्द बना है। ऋतु का क्या अर्थ हुआ? ऋतु का अर्थ है वर्षा, ग्रीष्म, शिशिर, जाड़े की ऋतु। इस ये अपना अपना एक परिवर्तन करती रहती है।
है ना, इनका अपना एक रित है, वो हमारी चाहने से वर्षा नहीं हो जाएगी, हमारे चाहने से ग्रीष्म की ऋतु नहीं आ जाएगी, उसका अपना रित ही उसको चला रहा है, इसलिए उसको ऋतु कहा है। तो ये जो लोक का लौकिक है, ये इसके बोध में प्रकृति का जो अर्थ है वो ऋतु के भीतर है, और समष्टि के अर्थ में ऋत का जो अर्थ है हमारी पूरी की पूरी शास्त्र परंपरा का जो चेतना का विस्तार है, जो ज्ञान का विस्तार है, उसका उसकी जो अपनी गहराई है वो इतनी विशाल है, जहां परा प्रकृति भी शामिल है, अकेली अपरा प्रकृति नहीं, अपरा प्रकृति वो जो तत्वपूर्ण है, गुणपूर्ण है, परा प्रकृति वो जो सूक्ष्म है, जिसको काल की शक्ति नहीं चला रही है, वो अपने अपने में ही समाहित नियमों से संचालित है। तो शास्त्र की परंपरा में हमें यह समझना पड़ेगा कि किस चीज को भारतीय ज्ञान परंपरा ने माया कहा है और किस चीज को भारतीय परंपरा ने जीवन की लीला कहा है। माया का आवरण का भेदन किया जा सकता है, इसकी सैकड़ों आध्यात्मिक विधियों का विकास भारत में हुआ है, वो तंत्र की तरह भी हुआ है, योग की तरह भी हुआ है, तपश्चर्या की बहुत सारी विधियों की तरह हुआ, उस आवरण को काट सकते हैं। और दरअसल ये जो लौकिक के जगत को काल की शक्ति चलाती है, इसका भेदन कर सकते हैं हम, एक नित्य वर्तमान में अपनी चेतना को स्थिर कर सकते हैं, जहां के पूरी परा प्रकृति और सारी समष्टि है, और इस अर्थ में वो समुद्र के जैसी है, समुद्र जैसा, इतनी विराट सृष्टि, ग्रह, नक्षत्र, तारे, याक, अनंत अनंत आकाश गंगाएं, वो एक समुद्र की तरह हैं, और मनुष्य की अस्मिता एक बूंद की तरह। जब तक साधना में एक साधक अपनी अस्मिता को लेकर बैठा रहता है, तब तक उसकी अपनी छोटी सी जो भी सत्ता है वो चलती है। जिस दिन अपनी अस्मिता को उस विशाल समुद्र में जैसे ही कोई बूंद विलीन करती है, तो वो स्वयं भी समुद्र हो जाती है, बूंद की तरह होना तो चला जाता है। शास्त्र हमसे ये कहता है कि दरअसल इसके दो चरण हैं। जिस दिन साधना की एक अवस्था में हमारा अहंकार जाता है, तो उस दिन मैं चला गया, और जिस दिन सारी साधना पूरी हो गई, अहंकार भी चला गया, जिस दिन अपना अपनी अस्मिता को भी समष्टि के इस सत्य में विलीन करने का साहस कोई साधक कर ले, कोई निर्णय कर ले, उस दिन जो है वो स्वयं समष्टि व्यापी हो जाता है। इस अवस्था को जो सुंदर शब्द दिया गया भारत में, भारत की ज्ञान परंपरा में, साधना परंपरा में, तत्व दर्शन की परंपरा में, वो है मुक्ति हो जाना। मुक्ति का अर्थ हुआ कि उस विशाल समुद्र में आप विलीन हो गए, फिर न जन्म है, न जन्म का चक्र है, न मृत्यु है, और मृत्यु का भी वो दरअसल एक समग्र मृत्यु है। एक अर्थ में ये जो थोड़े थोड़े अंतराल से जन्म और जन्म का एक जीवन और जीवन का एक अंत, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, इसके चक्र से ही वो चेतना बाहर हो जाती है। इसके उपक्रम को कैवल्य की अवस्था, ज्ञान की अवस्था, या एक अर्थ में कहें कि मोक्ष की अवस्था, इन शब्दों से अभेद किया गया है। हमें मानना पड़ेगा कि साधना की इस परंपरा में, उपनिषदों में से किसी में एक बड़ी सुंदर कथा है कि एक ऋषि 50 वर्षों से किसी शिष्य की प्रतीक्षा में बैठे हैं, उनको कोई उत्तर देना है जो उनके गुरु ने दिया था। बड़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद एक दिन एक युवा आता है और उनको प्रणाम करके कहता है कि मुझे अमुक ऋषि ने आपके पास इस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने के लिए भेजा है, तो मेरा प्रश्न ये है। वो प्रश्न आधा ही पूछ पाया था और ऋषि ने उसको हाथ से इशारा करके कहा, रुको, मुझे तुम्हारा प्रश्न मालूम है और तुम्हारे प्रश्न का ये उत्तर है। तो वो युवा चकित रह गया, उसने कहा, आपने प्रश्न ही पूरा नहीं सुना और उत्तर दे दिया। तो बोले, असल में बात यह है कि मैं इस प्रश्न और तुम्हारी 50 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। तुम 50 वर्ष प्रतीक्षा करके देखो, प्रश्न सुनने का धीरज भी नहीं बचेगा तुम्हें, उत्तर दे दिया जाएगा, क्योंकि
उत्तर सदा से मेरे पास से मुझे दिया गया था, तो आज तुम आए तो इस अर्थ में मेरा जीवन चरितार्थ हुआ कि जब मैं अपने गुरु के पास गया था और उनसे मैंने दीक्षा ली थी, मंत्र लिया था, साधना की विधि को सीखा था, उन्होंने जो ज्ञान दिया था, उस दिन अज्ञान दूर हुआ, ज्ञान आ गया। अब 50 वर्षों से ज्ञान को लेकर बैठा, आज तुम आए, तुम्हारे लिए वो ज्ञान मैंने दिया, तुम्हें उत्तर दिया, आज मैं ज्ञान से भी मुक्त हो गया। अब ना अज्ञान है ना ज्ञान है, मैं पूरी तरह से कैवल्य की एक अवस्था में हूं और मैं जा रहा हूं। तो वो घबरा के युवा कहने लगा, आप कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि दरअसल अब तुम यहां बैठोगे, तुम किसी की प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो कि कोई तुमसे प्रश्न करेगा। इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में अनेक ऋषि उपनिषदों में किसी भी उत्तर को अपना उत्तर नहीं कहते, वो ये कहते हैं जैसा फला ऋषि ने कहा, जैसा मेरे गुरु ने कहा, जैसा हमारी परंपरा कहती है, और जो जिस रूप में मैंने उसको समझा वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये ज्ञान मेरा नहीं। चली आती एक परंपरा का बोध है, उस बोध में से मैं तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। इसका अर्थ ये निकला कि ज्ञान अपने आप में समग्र है, ज्ञान कभी नया नहीं होता, ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं होती है। इसको ठीक से समझे, हर ऋषि के पास ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं है, ज्ञान नया नहीं है, क्योंकि वो सदा से है। अस्तित्व होता है तो अस्तित्व में ही समाहित अस्तित्व का ज्ञान भी होता है। इतनी महान एक परंपरा को भारत में शास्त्रों ने संभव किया, उनने ये बताया कि कैसे सारी समष्टि से सारी प्राणिक सत्ता जुड़ी हुई है, कैसे अपरा प्रकृति परा प्रकृति से जुड़ी हुई है, और कैसे परा प्रकृति जो है वो अपने ही रिथम में स्वयं के नियम बना के संचालित हो रही है, उसको कोई संचालित कर नहीं रहा है। इस अर्थ में एक एक महान भगवत्ता इसका संचालन कर रही है, इसके नियम ही इसकी भगवत्ता है, हम सब उस भगवत्ता के भीतर हैं। अब लौकिक के जीवन में मनुष्य जो है वो मतलब कैसे अजीब अजीब सब ईश्वर तक को खोज रहे हैं लोग, कहाँ खोजेंगे, कौन से अरण्य में चले जाएंगे, कौन से पर्वत पे चले जाएंगे। ये वैसे ही बात है जैसे समुद्र की मछलियां जो हैं वो समुद्र को खोजने के लिए निकल पड़े, इस अभिप्सा से भर जाएं कि समुद्र बहुत बड़ा होता है, लोग कह रहे हैं। हम भगवत्ता के उस समष्टि व्यापी समुद्र के भीतर ही हैं, उसको खोजना नहीं है, केवल समझ लेना है। और जिस दिन ये बोध हम में आ जाता है, दरअसल हम इस सत्ता को समष्टि व्यापी सत्ता में विलीन कर सकते हैं। ये तो हुआ हमारे देश में शास्त्र की परंपरा का ज्ञान, उसी से निर्मित एक महान संस्कृति, जिस संस्कृति का एक केंद्र आस्था में है, यानी उसका अंतरंग है, उसकी स्मृति, उसके संस्कार, उसके अनुष्ठान, उसके देवी देवता, उसकी पूजा प्रणालियां, उसकी प्रार्थनाएं, उसके मंत्र, ये सब। संस्कृति का एक दूसरा रूप जो है वो हम कह सकते हैं संस्कृति का बहिरंग है, यानी एक अर्थ में फिजिकल कल्चर है, सारे आर्ट फॉर्म जितने भी हैं, वो शब्द की परंपरा में हो, स्वर की परंपरा में हो, नर्तन की परंपरा में हो, चित्र की परंपरा में हो, शिल्प की परंपरा में हो, वो सब क्या है, वो सब जो है संस्कृति का बहिरंग है। यानी संस्कृति का बहिरंग इस पे निर्भर करता है कि संस्कृति का अंतरंग जो है वो क्या है, और संस्कृति का अंतरंग इस पे निर्भर करता है कि उसकी तात्विक सत्ता या बोध या ज्ञान का केंद्र जो है वो क्या है। इस अर्थ में मैं मानता हूं कि कला परंपरा को भी भारत में उतना स्वायत्त होकर अध्ययन करना संभव नहीं है, एक सांस्कृतिक परंपरा के अंतरंग से उसको जोड़ना ही होगा। और सांस्कृतिक परंपरा के अंतरंग में जब आप जाते हैं
तो अपने आप भारतीय ज्ञान के उस बोध से, उस तत्वार्थ से, उस महान परंपरा से जुड़ जाते हैं। ये परंपरा शास्त्र की परंपरा की तरह, शास्त्रीयता की तरह विकसित हुई है। लोक की परंपरा जो है वो जीवन की कठोर पाठशाला है, उसमें ही सीखे सारे सबक जो हैं वो उसका ज्ञान बनते हैं। उसका कोई दावा दिव्य का नहीं है, वो लौकिक के जीवन में ही अपनी दिव्यता की रचना करते हैं। वे देवताओं से लड़ झगड़ सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं कि इतनी ईमानदारी और भला जीवन जीने के बाद इतना कष्ट जीवन में क्यों है, भगवान तुम करते क्या हो, भगवान चाहिए, बिना भगवान के उनका जीवन चलता नहीं है। तो जो मिले हुए 33 कोटी देवता हैं उनसे उनका काम नहीं चलता। लोक ने अपने भगवान, लोक देवता और लोक की मात्र शक्तियों की रचना भी शुरू कर दी। वहां जो देवलोक है वो एक तरह का सहचर देवलोक है, दिव्य नहीं है। लोक के लौकिक की दिव्यता भी अपने तरह की एक लौकिकता है। मैं कहता हूं लोक का जो नश्वर है ये कभी व्यतीत नहीं होता, इस अर्थ में इस नश्वर में भी एक अजीब तरह की का अमर्त्य है। हजारों वर्षों से जीवन लौकिक का जीवन है, इसके अपने देवी देवता हैं, अपनी संस्कृति है, अपने तरह का जीवन का ये ज्ञान है, और ये नष्ट भी होता रहता है। वो नश्वर के जगत में हर चीज मृत्यु के लिए अभिशप्त है, उसका अंत निश्चित है, नए देवी देवता आ जाते हैं। तो ये लौकिक के भीतर की जो नश्वरता है, इस ये नश्वरता भी एक अमर्त है, ये नश्वरता बीतती नहीं। और उसकी प्रार्थना होती है कि मैंने आज तक लोक के जीवन में किसी आदमी को मुक्ति या मोक्ष की कामना से भरा हुआ नहीं देखा। हर आदमी जैसे कहता है भगवान हम तो इसी संसार में, इसी जीवन में फिर से बहुत जल्दी वापस आना चाहते हैं, अपनी पत्नी के पास, अपने बच्चों के पास, अपने गाँव में, अपने मेलों ठेलों में, अपने मंदिरों में, अपने तीज त्योहारों में, हम फिर से वापस आना चाहते। जीवन बहुत सुंदर है, इस जीवन से उसका राग टूटता ही नहीं। लोक के लौकिकता का ये जो जीवन राग है ये बड़ा अद्भुत है। कोई नश्वरता और कोई मृत्यु इस महान जीजिवसा से भरे जीवन राग को तोड़ नहीं पाती। ये है भारत में लोक और शास्त्र की इन भूमिकाओं को ठीक से समझ के ही हम दरअसल एक अबाधित भारतीय ज्ञान परंपरा को समझ सकते हैं, धर्म परंपरा को समझ सकते हैं, धर्म से संस्कृति के संबंध को समझ सकते हैं, और संस्कृति से कला के एक संबंध को समझ सकते हैं। वो अबाधित और अविच्छिन्न है। यद्यपि बहुत सारी चीजें ऐसी परंपरा के जीवन में भारत में घटती रहती हैं, बहुत तरह के औपनिवेशिक काल, बहुत तरह के व्यवधान, बहुत तरह के लुटेरे, सत्ताखोर, इस तरह के जो लोग हैं वो एक अबाधित परंपरा को बीच बीच में नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी क्रूरता, हिंसा, बर्बरता, लूटमार, आगजनी, बलात्कार, सभ्यताओं को नष्ट करने के उपक्रम, ये सब केवल संस्कृति के भौतिक आयामों तक सीमित रहते हैं, जिसको मैंने कहा कि वे संस्कृति के अंतरंग को भी छू नहीं सकते, संस्कृति का बहिरंग जो है उसको क्षतिग्रस्त कर देते, यानी सभ्यताओं पर बड़ी गहरी खरोंचे डालते हैं वो। लेकिन भारत एक विलक्षण देश है, इसने संस्कृति का जो अंतरंग रचा है वो तो एक ऐसी ज्ञान परंपरा से अद्भुत रूप से संयुक्त है कि उसको इस संसार में कोई लुटेरा लूट नहीं सकता, कोई बर्बर जो है उसको जला नहीं सकता, किसी भी तरह की नाश करने वाली शक्ति उसका नाश नहीं कर सकती। जब तक सत्य रूपा ज्ञान का वो बोध भारत के पास है, जो शब्द के भी बाहर चला जाता है, वो मौजूद है, भारत फिर करके एक नव संस्कृति, नव जीवन, नई कला, नई रचना इसको संभव कर देता है। ये भारत की सनातनता है, मैं इसको सनातनता कहता हूं। सनातनता और प्राचीनता का अंतर ठीक से समझ लें। प्राचीन वो जो एक बार गया तो गया, वो फिर दोबारा लौटता नहीं। भारत ने कभी इस शब्द का बहुत इस्तेमाल नहीं किया है,
भारत में जैसे ज्ञान के बारे में कहा कि ज्ञान नया नहीं होता, नए तरह से सिर्फ कहा जाता, उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, बिल्कुल ठीक इसी तरह से भारत जो है उसने ये कहा कि एक बार संभव अगर हो गया ज्ञान और अगर वो समष्टि व्यापी है तो उसका नष्ट करना संभव नहीं है, इसलिए प्राचीन नहीं हो सकता। ये इसमें एक तरह की सनातनता होती है। सनातन शब्द का मतलब समझे, सनातनता का मतलब है एक नदी जिन जल कणों को लेकर चल रही है वो तो कहीं दूर जा चुके, क्षण भर में कितनी दूर जा चुके, लेकिन लगातार नए जल कण जो हैं उनसे उसका प्रवाह अबाधित रहता है। नदी के जीवन में एक तरह की सनातनता है। हमने जीवन को प्रवाह का एक रूपक देने के लिए नदी के प्रवाह का उपयोग किया है और जीवन की विशालता और गहनता व्यापकता इसके लिए जो महान रूपक दिया है वो है वृक्ष का, एक बीज से वृक्ष की यात्रा। ये दो महान रूपक है, नदी का रूपक और वृक्ष का रूपक। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं सनातनता के अर्थ को ठीक से समझ लें। सनातनता का मतलब है जो प्राचीन नहीं होता, जो हर क्षण अपने को नया कर लेता, वो सनातन। मैं कितने हजार वर्ष के ज्ञान और ज्ञान के उत्तराधिकार, संस्कृति के उत्तराधिकार, धर्म के उत्तराधिकार, इस सब को मेरे रक्त के साथ वो प्रवाहित हो रहा है। वह जो मुझ तक आया शिराओं में बहता मेरा उत्तराधिकार। अब कौन पूछता है मुझसे समय, इस समय तो मेरी घड़ी में कितने हजार साल बच के आज रात का तीसरा पहर बजा है। ये सनातन है, प्राचीन नहीं। तो चाहे लोक हो और चाहे शास्त्र हो, इनकी भूमिकाओं को और इनके स्थानों को ठीक से समझने की जरूरत है। वे एक दूसरे के विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं, परस्पर हैं। एक लौकिक का ज्ञान है, एक इतनी विराट सृष्टि के में संभव हुआ ज्ञान है, और वे दोनों अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। एक की कामना मोक्ष में है, मुक्ति में है, कैवल्य में है, एक की कामना फिर से इसी सुंदर जीवन में लौट आने की है। परमात्मा ने जैसे हमें स्वतंत्र किया है कि तुम चुन लो कब तक लौटना है तुमको, कितने बार लौटना है तुमको, और जब आखिरी बार निर्णय कर लो तो इस समुद्र में अपनी बूंद को विसर्जित कर देना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही गहराई और तारतम्यता के साथ आपने हमारा मार्गदर्शन किया। अभी जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, यदि उनका प्रश्न है कोई तो हम प्रश्न के लिए इसको ओपन रखेंगे, तो प्लीज आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं जिनका भी सर के लिए कोई प्रश्न है। डॉक्टर सुमन गुप्ता। कपिल सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर ये आपने जो साधना की अवस्था में दो भागों में बताया, एक तो जब अहम चला जाता है और एक जब हम अस्मिता में विलीन हो जाते हैं, है ना, जो मोक्ष की प्राप्ति या मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो जब वो जो पहला वाला स्टेज है अहम का जाना, वो मुक्ति के पहले का स्टेज है। हाँ जी। और उसके बाद वो दूसरा स्टेज जब हम ये पूरे नेचर के साथ, पूरे अस्तित्व के साथ अपने आप को विलीन समझते हैं, अपने आप को उसमें मिला देते हैं, दोबारा आने की कल्पना जीवन में नहीं करते हैं, उसे हम कह रहे हैं मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति, जो हमारे यहाँ मोक्ष कहा जाता है। दो शब्द हैं, हम कहते हैं मैं हूँ। जी जी। तो पहली अवस्था में मैं चला जाता है, उसका गिरना पहली समाधि में घटित होता है ना, वो सारा आधार है, स्वाबोध है, अहंकार की चेतना है, वो केंद्र में है, उस केंद्र से ही आप जगत को देखते रहते हैं। जिस दिन वो विसर्जित होता है तो फिर कोई मैं शब्द नहीं कहता, फिर जो शब्द आता है वो ये है, अस्तित्व समझ में आ रहा, हम अस्तित्व में हैं। हाँ, सह अस्तित्व में आ गए, सारे नेचर के साथ सह अस्तित्व में आ गए। जी। तो यानी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अहम है। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन एक उससे भी बड़ी प्रॉब्लम पता चलती है कि अस्मिता को बचाए रखना चाहते हैं आप।
अहंकार चला गया और अस्मिता को पकड़े बैठे हैं, तो बूंद जो है वो समुद्र से इनकार करती है कि मुझे नहीं मिलना। भक्त क्या करता है, हमारे देश में जो मुक्ति है उसके दो रूप कहे गए हैं, सायुज्य मुक्ति और दूसरी। सायुज्य मुक्ति का क्या अर्थ है? सायुज्य मुक्ति का मुक्त हो जाना अस्तित्व के साथ, और दूसरा है अस्तित्व में विलीन हो जाना। सालोक्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति, मुक्ति के दो। हाँ, तो भक्त कहता है कि मुझे अपनी अस्मिता को आपके समुद्र में विलीन नहीं करना भगवान, आप मैं तो आपको सदा सदा के लिए देखते रहना चाहता हूँ। अगर मैंने विलीन कर दिया तो मैं आपका भजन नहीं कर पाऊंगा, मैं आपके सुंदर रूप के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं तो विदा हो जाऊंगा और मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए जो अपने को विलीन करके हो, मैं सदा सदा के लिए आपके दर्शन ही करना चाहता हूँ। एक भक्त की कामना की मुक्ति ये है। एक है जो ये सालोक्य मुक्ति के बाद सायुज्य मुक्ति, उसके साथ युक्त हो जाना। ये बूंद जो है ये समुद्र में अपने को मिला देती है और समुद्र हो जाती है, सायुज्य हो गया समुद्र के साथ बूंद का। मुक्ति के ये दो रूप है हमारे यहाँ, एक भक्ति की कामना की मुक्ति है और दूसरी जो है योगी और साधक अवधूत के कामना की मुक्ति है। इसको ठीक से समझते हैं, पहले में मुक्ति के पहले चरण में हमारा अहंकार जाता, हमारा स्वबोध जाता, और दूसरे चरण में हम अस्मिता को विलीन करने का निर्णय करते हैं। बुद्ध के जीवन में देखिए, 40 साल तक अहंकार को विदा करने के बाद, ज्ञान होने के बाद अपनी अस्मिता को टिकाए रहे 40 वर्ष तक। बड़ा अद्भुत है ये। और जिस दिन उन्होंने अपनी अपने देहावसान के 48 घंटे पहले कहा था कि 48 घंटे बाद मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा वहां कुशीनगर में, तो वहां जो वन था उसके एक स्थान को थोड़ा पवित्र किया गया, साफ किया गया, और 48 घंटे बाद संध्या समय गोधूली के समय वो अपनी कुटी से बाहर निकले और वो एक निश्चित स्थान पे आकर बैठ गए। उनने सारे अपने भिक्षुओं को देखा, हजारों भिक्षु वहां बैठे हुए थे कि बुद्ध आज हमसे विदा ले रहे हैं। बुद्ध ने सबको प्रणाम किया और इसके बाद कहा कि बस थोड़ी देर में शरीर में हूं और तुम में से किसी को भी मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ लो। सन्नाटा छा गया, लोगों ने कहा कि आप 40 वर्षों से निरंतर हमारे प्रश्नों के उत्तर ही दे रहे हैं, अब पूछने के लिए क्या बचा और आपके उत्तर देने के लिए क्या बचा है। तो बुद्ध ने कहा कि फिर तुमसे कह रहा हूं, वे एक चीज को 3 बार कहते थे, मैं फिर तुमसे कहता हूं कि अभी भी तुमको कुछ पूछना हो तो पूछ लो। तो उनके भाई ही जो थे आनंद, वो उनके साथ ही बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि तथागत, हमारे पूछने के लिए कुछ नहीं बचा, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि जब आप शरीर में नहीं होंगे तब हम क्या करेंगे। बुद्ध की अंतिम देशना क्या थी, अंतिम शब्द थे उनके, अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। कौन किसी को ज्ञान दे सकता है, कौन किसी को रास्ता दिखा सकता है, तुम्हें ही रास्ता बनाना है, तुम्हें ही चलना है, तुम्हें ही अपना दीपक जलाना है, तुम्हें ही प्रकाशित होना है, ये कोई नहीं करेगा। अपो दीपो भव पाली में कहा गया, अंतिम बुद्ध देशना है। इसका मतलब है इसके बाद बुद्ध ने, जब सब लोगों ने एक तरह की चुप्पी धारण कर ली, तो उनने अपने शरीर को पैरों से समग्रता में देखा और अपनी चेतना को शरीर से मुक्त कर लिया और उनके मुंह से निकला धन्यवाद। धन्यवाद कहा था शरीर को। फिर बौद्ध परंपरा में एक शब्द आता है जो मैंने भारतीय ज्ञान परंपरा में दूसरी बार कहीं नहीं सुना, वो है शरीर से पृथक कर लेने के बाद उन्होंने अपनी चेतना से अंतस्थ गुहावासी को समग्रता में देखा। अंतस्थ गुहावासी क्या? मन। ऐसी अंधेरी गुफा
सारा जीवन भटकते भटकते, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, क्या उस नरक में भरा है, उस अंधेरी सुरंग को जैसे बुद्ध ने समग्रता में देखा और वहां से भी अपने आप को पृथक कर लिया। और जब मृत्यु आई तो बुद्ध ने शरीर में हुए और नमन में गया। दरअसल मृत्यु पहली बार चली गई। इसके इसके इस प्रसंग के तत्वार्थ को बहुत ठीक से समझ लीजिए कि अहंकार तो 40 वर्ष पहले खो गया था, ज्ञान आ गया, लेकिन कल्याण की कोई एक कामना बुद्ध के मन में थी जिसको अपने हृदय से लगा के सारे कितने विशाल क्षेत्र में वहां बिहार में वो घूमते रहे, हजारों प्रश्नों के उत्तर दिए उनने, लाखों प्रश्नों के उत्तर दिए उनने, लाखों लोगों के जीवन को बदला। और जिस दिन उनने निर्णय किया कि अब शायद समय आ गया है जब अपनी अस्मिता को विलीन कर देना चाहिए, तो कहा कि ठीक 48 घंटे बाद मैं शरीर में नहीं रहूंगा। और वे आए और बैठे। ये मृत्यु का निर्णय नहीं था, ये बुद्ध का निर्णय था कि मुझे जाना कर। ये अस्मिता के विसर्जन की स्वतंत्रता होती जो अधिकार हम अर्जित करते हैं अपनी साधना से, इसका मतलब होता है। एक दिन अहंकार जाता है, एक दिन अस्मिता जाती है, तो फिर चले जाते हैं, फिर लौटना नहीं होता, फिर कोई वापसी नहीं। ऐसे महान लोग जब ये अस्मिता में मिल जाते हैं तो जब हम वहां जाके उन्हें याद करते हैं तभी वो हमें आसपास महसूस होते हैं, क्योंकि वो उस अस्तित्व में विलीन होते हैं। अस्तित्व तो हम घेरे हुए हैं, अस्तित्व से बाहर हम कैसे होंगे? अगर उसमें उन्हें विलीन कर दिया तो कोई उपाय नहीं है, वो आपको सदा ऐसा लगेगा। स्मरण तो करो, लेकिन स्मरण करने की तुम्हारी गहराई और सच्चाई पे निर्भर करता है। मैं इस अगर कृष्ण को स्मरण करूं, अपनी समग्रता में करूं, मेरा रोम रोम उनकी अभीप्सा से भर जाए, तो इस अस्तित्व के बाहर थोड़ी है कृष्ण, इस ही भाग है, वो तो निकट बैठे हुए हैं, बस मुझे अपना चेहरा ऐसा करना है, मैं उनके दर्शन कर लूंगा। ये कृष्ण के ऊपर निर्भर नहीं करता, मेरे अभीप्सा की गहराई और सच्चाई पे निर्भर करता है। यानी कि ज्ञान पूरा है, बस हमें अपने आप को जो है उससे अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को जानना है। हम कितना जान लेते, ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान अवेलेबल है। जो हमारी भारतीय परंपरा है उसमें ज्ञान अवेलेबल है, सिर्फ हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे, अपना दीपक नहीं जला पा रहे, हमें अपना दीपक जलाने की जरूरत है। एक बहुत सुंदर शब्द हमारी परंपरा में आया है, उसका मतलब है स्वाध्याय। हाँ, स्वाध्याय आपने सुना होगा इस शब्द। जी जी जी, जी सुना है। इसका अर्थ हुआ अपना ग्रंथ, सारे शास्त्र सब तुमसे बाहर हैं, इनको इनका स्वाध्याय नहीं, स्वाध्याय इनका तो अध्ययन होता है। स्वाध्याय शब्द जो आया है वो ये है कि जिस दिन तुम्हारी यात्रा जगत से अपनी तरफ आ जाए, उस दिन तुम अपना स्वाध्याय करना शुरू करते, कैसे हो तुम, कैसा है तुम्हारा शरीर, कैसा है तुम्हारा मन, कैसी हैं तुम्हारी इच्छाएं, कैसी हैं तुम्हारी कामनाएं, क्या हैं तुम्हारे विचार। और वो महा निर्विचार जिसमें कोई विचार नहीं होता, वो सब विचार उसी से पैदा होते हैं, है ना। इसको पढ़ना जिस दिन हम शुरू करते हैं, एक अंतर यात्रा की शुरुआत हो जाती है, उस दिन एक सच्चे आध्यात्मिक जीवन का आरंभ होता है, इसको हमने स्वाध्याय कहा है, है ना। तो कपिल जी, डॉक्टर कपिल जी, सादर प्रणाम। थैंक यू कपिल जी। जी नमस्ते प्रोफेसर कपिल जी, सादर प्रणाम। अरे मैं प्रोफेसर नहीं हूँ भाई, मुझे तो लेक्चरर भी नहीं बनाया आप लोगों ने। मुझे जानना ये है कि इतना जो स्वाध्याय आपने किया, ये कैसे आपने सिस्टमैटिक, यू हैव डन सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बुद्धा, स्वाध्याय, स्क्रिप्चर, स्पिरिचुअलिटी, कुछ वो रास्ता बताइए कि हम कहाँ से पढ़ना शुरू करें, या कुछ किताबें हैं जो आपने इतनी अध्ययन की वहां से, जो आपने इंटीग्रेट किया नॉलेज को, सो नॉलेज इंटीग्रेशन विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जिसमें स्वाध्याय की बात की हमने, अपने रिफ्लेक्शन की बात की, वो थोड़ा वो रास्ता बताइए कि हम उस रास्ते में थोड़ा सा चलना शुरू करें तो अचानक जो आपने अचीव किया वो तो अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन एक स्टेप
आगे बढ़ें, वो कौन से ग्रंथ शुरू करें, वो कौन सा कुछ रिसर्च पेपर आपके लिखे हो या फिर या ऐसा कुछ तो कब, जैसे मैंने बीच में ब्रह्म सूत्र पढ़ना शुरू किया। जी जी, असल में बात ये है, हाँ तो मुझे ज्ञान के लिए कुछ पढ़ना हाँ। नहीं, पढ़ने अच्छी बात है, मतलब मेरे पास भी बहुत सारी किताबें हैं, बरसों निकल गए मैंने पलट के भी नहीं देखा, एक दिन ही ऐसी चेतना हुई कि पढ़ लिया, उसको थोड़ा सा गुनना समझना शुरू करें, अपने को ही समझना शुरू करें। कई बार मैं बहुत सारी चीजें मेरी चेतना में ऐसी आती हैं जो आपसे सच कहूं ये थोड़ा सा मिस्टिकल सा कुछ है, मेरे स्मरण में कुछ ऐसा कौनता है जो मैंने इस जन्म में नहीं पढ़ा है, इसको नहीं समझा है, वो अचानक ही मतलब मेरे पास आता है, मैं खुद भौचक रह जाता हूं कि अगर मैंने इसको किसी किताब में नहीं पढ़ा है तो इसको मैं कैसे जानता हूं, लेकिन ये मैं जानता हूं। अब ये एक ऐसी शब्दातीत अतार्किक सी चीज है, अनलॉजिकल सा है ये, कि मैं इसका बहुत ठीक उत्तर आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज आपसे कह सकता हूं, भारत में ज्ञान इतना जुड़ा हुआ है, इतना परस्पर है कि किसी एक चीज को पूर्णता में जान लो, आप योग को पूर्णता में जान लो, आप सबको जान लेंगे, आप आयुर्वेद को ठीक से जान लें आप सबको जान लेंगे, आप स्थापत्य को ठीक से जान लें आप सबको जान लेंगे, तो केंद्र में जो राजा है ना वो हमारे ज्ञान परंपरा का, वही आप तक काम रूप है, वही केंद्र है हम लोगों की चेतना का, ज्ञानात्मक चेतना का केंद्र है, आप करें कुछ भी वो उसमें चला आता है। आप देखिए मंदिर वास्तु निर्माण जो है उसके केंद्र में क्या चीज अध्ययन करने वालों को मिली, कि एक बैठी हुई स्त्री जो है वो उसके केंद्र में है और उसका गर्भ ठीक जहां पे होता है उस वहां हमने गर्भगृह बनाया और उसका शिखर मंदिर का जो है वो उसके सिर के जैसा है, वो ऐसी बैठी है। अब ये समझने की बात है कि इस जगत में हम स्त्री से ही आते, स्त्रियां ही हमें जन्म देती हैं, है ना। मंदिर में जाके मंदिर के लिए इसको चुना शायद इसलिए गया होगा कि एक नए आदमी आत्मगर्भा होकर निकलो, एक बार स्त्री के गर्भ से इस जगत में आ गए, जब तक तुम अपने गर्भ से अपने को जन्म नहीं देते तुम्हारी कोई मुक्ति नहीं, उस दिन तुम्हारा मंदिर जाना सार्थक हो, और मंदिर बनाए इसलिए गए थे कि तुम्हारी चेतना में ये क्रांतिकारी परिवर्तन हो कि अब तो अपने से ही अपने को जन्म देना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। यही तरीका है, कोई भी एक चीज अपनी पूर्णता में जान ले, सब पढ़ने की जरूरत नहीं। तंत्र में आपकी अभिरुचि है आप शैवगम देख सकते हैं, शाक्तागम देख सकते हैं, वैष्णवागम देख सकते हैं, उसकी बहुत सारी धाराएं, मैंने कई वर्षों तक उनका अध्ययन किया और उलझ गया था, तो फिर अपने आप थोड़ा सा मैंने बाहर किया, उससे थोड़ा डर लगने लगा था। या भक्ति की परंपरा, भक्ति की परंपरा का कुछ चित्त मनुष्यों के ऐसे होते हैं जो जिनका केंद्र ही हृदय होता है, मतलब ऐसा लगता है इस संसार में परमात्मा के लिए कही गई सारी प्रार्थनाएं उन्हीं के लिए बनी है। जो प्रार्थना से विकलित हो सकते हैं, जो इतने सच्चे हैं, उनके लिए योग नहीं है। वे भक्ति में एक सुंदर पद की रचना करें या गायन करें या उस भजन को सुन लें और उनके भीतर उनके भाव केंद्र में जो कुछ घटता है वही योगी के लिए भी घटता है, वो कोई अलग चीज नहीं है। कोई भी एक चीज ठीक से समझ लें, प्रार्थना के सार तत्व को समझ लें। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आप ज्ञान मार्ग में भी जाएं, भक्ति मार्ग में भी जाएं और जो भी नहीं, सबसे पहले अपने आप को देखें कि आपका स्वभाव क्या है। बिना स्वभाव की जानकारी के आप कहीं भी चले जाएं, बरसों लगा दें, कुछ फलित नहीं होगा। आपका स्वभाव कैसे पता? आपका स्वभाव एक भक्त का है, एक एक प्रार्थना करने वाले आदमी का है, एक आस्थावान आदमी का है, आपका मार्ग भक्ति ही होगा। लेकिन अगर बरसों बरस आप योग में लगा देते हैं या तंत्र में लगा देते हैं तो कुछ आपके लिए कुछ फलित नहीं होगा, वो आपके चित्तवृत्ति की स्वाभाविक दिशा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जो एक तरह की तार्किकता में है, जो एक तरह के बुद्धि विलास में है, जो हर चीज को अपनी तथाता में स्वीकार करते हैं, उनके लिए भक्ति का कोई अर्थ नहीं, वे वहां गलत प्रयोग कर रहे हैं, वे खर्च कर रहे हैं अपना समय। उनके लिए बेहतर ये है
कि एक विज्ञान की तरह भारत ने ऐसे तार्किक लोगों के लिए योग सूत्र की रचना की, महर्षि पतंजलि ने की, वो क्रमिकता है, एक एक चीज, एक एक चरण चलना है वहां, है ना, यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, समाधि के भी दो प्रकार, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, ये योग की एक व्यवस्था है। तो ये जो तर्क बुद्धि वाले लोग हैं ये इस क्रमिकता को समझते हैं कि मतलब पहले यम करो, नियम, भक्ति वालों को क्या करना चाहिए, भक्ति वालों को केवल मन की सफाई। हम जीवन में इतना मैल इकट्ठा करते हैं, कैसे कहूं आपसे कि भक्त कुछ नहीं करता है, उस मैल को अपने हृदय से हटाता है, केवल हमारी चित्त वृत्ति पे, हमारे हृदय पे, हमारी संस्कारशीलता पे, जो भी मैल पड़ गया है जगत का, इसके झूठ का, इसके असत्य का, हाँ, इसकी कुटिलता का, जो लोगों ने मेरे साथ किया उसका, उसकी जो स्मृति मेरे मन में हमेशा के लिए बन गई है, उस सब के भीतर भक्त का एक ही काम होता है, वो केवल स्वच्छ करता है अपने हृदय को और कुछ नहीं करता। उस स्वच्छ हृदय के भीतर परमात्मा विराजते हैं, उनकी प्रार्थना होती है, और वो कोई दी हुई प्रार्थना ही नहीं होती है, जिनको रटना है, दोहराना है। दरअसल एक दिन वो स्वच्छ हृदय के भीतर जहां परमात्मा का आसन होता, जहां भी विराजते हैं, उनकी प्रार्थना जैसे उनके मुख से ही फूटती है, मुख हमारा होता है, सारी प्रेरणा जो है परमात्मा की होती है, ये भक्ति है। ऐसे ऐसे चयन करना जी। भक्ति वालों के लिए कोई एक ग्रंथ आप सजेस्ट करेंगे कि ये भक्ति मार्ग का है, उसको ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए? भाई भक्ति बनाई ही इसलिए गई थी कि ग्रंथों से मुक्त हो इसीलिए देखो भक्ति का कोई शास्त्र नहीं है। कहते जरूर लोग हैं कि नारद भक्ति सूत्र है, सांडिल्य भक्ति सूत्र है ना, पढ़ लो इनको, ठीक है। दरअसल वो चीज है जिसका शास्त्र तुम खुद बनोगे, उसका कोई शास्त्र नहीं होता, है ना। वो एक ऐसा मार्ग है, जितना मार्ग बनाओगे उतना ही चलोगे, बना हुआ मार्ग नहीं है, आकाश की तरह है वो। उस पे मनुष्य भी जो है ना अपनी चेतना सरलता और सहजता में पक्षी की तरह उड़ते हैं, वो जिनके आकाश में कोई पगचिन्ह नहीं बनते, वो धरती पे चलना नहीं है, भक्ति कोई और ही चीज है। ऐसा मुझे इजाजत दीजिए, मैं सर मुझे छोटा सा सवाल पूछना था जी। कपिल सर, हाँ जी सर, मैं एक छोटी सी बात कह सकता हूँ? हाँ सर, आपने जो बातें कही उससे, आपने जो भी आंसर दिया डॉक्टर पांडे को, उससे मेरे कई डाउट तो अपने आप ही क्लियर हो गए। और जो आपने बात कही ना कि एक समुद्र है और एक आप बूंद है, और उस बूंद में भी वही सेम एलिमेंट्स हैं जो एक सागर में हैं, तो वर्चुअली हम खुद ही ब्रह्मांड हैं। हमारे अंदर बुद्धा भी छुपा हुआ है, हमारे अंदर कपिल तिवारी जी भी छुपे हुए हैं, सभी कुछ है हमारे अंदर। तो अपने अंदर इस बात का एहसास करना और पूर्णता में जीना अभी और इसी वक्त, ये मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने इसमें टेक अवे लिया है जी। और जैसे सूफिज्म भी एक बात कहती है, वो कहती है मुखलिस और एक होता है इखलास। मुखलिस में ये होता है कि जैसे मान लीजिए कृष्ण की आप बांसुरी बन गए, अपने आप उसे धुन जो निकल रही है निकलने दे रहे हैं, मतलब समुद्र की जो इच्छा है वो चल रही है, लहरों से कोई मतलब नहीं, लहरें उसके हिसाब से लाइन होकर बह रही। और फिर इखलास मतलब वही जो आपने कहा कि बूंद कैसे है उसमें मिल जाए। सर इसमें एक बात ये आती है, जो अपनी फ्री विल होती है, जैसे आदमी ने अपने आप को तथाता बना के विराट के साथ अलाइन कर लिया, तो उसमें आनंद तो बड़ा आता है, लेकिन होता क्या है कि हम थोड़े से रेबल से हो जाते हैं, दुनिया हमें इस तरह से जीना नहीं देना चाहती, वो कहती नहीं नहीं यू आर दिस वे, यू हैव टू डू दिस वे, तुम ये कैसे कर सकते हो। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, जैसे मैं खुद भी बड़ी कंपनियों का सीईओ ये सब रहा, वाइस चांसलर, प्रेसिडेंट, अब मैं शांति से प्रोफेसर बन के रहना चाहता हूँ और अपने हिसाब से अपने स्वभाव स्वधर्म में काम करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें जो कई मतलब आई डोंट वांट टू शेयर मोर डिटेल्स, उसमें बाधाएं सी आती हैं। तो अपना जो तथाता है कि आप ना आराम से जी रहे हो और अपने स्वभाव स्वधर्म से अलाइन हो रहे हो, उसमें जब दूसरों की चीजें डिस्टर्ब करती हैं तो उसमें अगर कोई गाइडेंस हो तो आप दें सर। थैंक यू सो मच। देखिए आप, आपका प्रश्न जो है वो लाखों लोगों का प्रश्न है। जब तक संसार की और दुनिया की हम चिंता करते हैं तब तक एक और यात्रा शुरू नहीं होती। जिस दिन वो चिंता छूटती है सच्चे अर्थों में, उसी दिन वो यात्रा शुरू होती है ना।
इसको ठीक से समझ लें और संसार में रह के इस तरह रहना कि मेरे भीतर का एक शांत केंद्र जो है उसको कोई विचलित नहीं कर पाता, उसमें कोई हलचल नहीं कर पाता, एक ऐसे पानी की तरह जिसमें कोई कंकड़ फेंक के तरंग नहीं उठा सकता। जिस दिन हमारा मन विदा होता है ऐसी हो जाती है हमारी चेतना, तरंग विहीन जल की तरह हो जाती है, तब संसार में हम रहते हैं, संसार हमें छूता नहीं है। दरअसल मुश्किल तो यही है कि छोड़ना कुछ भी नहीं है, छूटने देना चाहिए, छूट जाए एक दिन संसार, तो इसकी चिंता भी क्या लेना है। और जिनको उसकी चिंता है वे फिर परमात्मा की चिंता छोड़ दें, आध्यात्म की चिंता छोड़ दें, अपने रूपांतरण की चिंता छोड़ दें, जैसा जीवन मिला हुआ है उसको जी लें। अगर उनको दुनिया की इतनी परवाह है, भाई इस बात को तो जानते हैं कि ये एक विराट पागलपन है जो चल रहा है, ये एक दोहराव है, ये एक पुनरुक्ति है, इसका कोई सत्य नहीं है। जब तक प्रगाढ़ रूप से आपको ये सत्य लग रहा है तो फिर परमात्मा को भूल जाए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि पिंड और ब्रह्मांड एक ही है, दरअसल वो अलग अलग नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा का जो संबंध, जो तारतम्य, जो एकता, जो परस्परता हमारी ज्ञान परंपरा ने हमें बताई, अगर उसके सत्य को हम जानते हैं तो हमें ये ठीक से समझ लेना चाहिए कि एक सच्ची अभिप्सा हमारे हृदय में जिस दिन उसको प्राप्त करने की होती है, संसार उसी दिन छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। लेकिन क्या हम खुद ही परमात्मा नहीं है क्या सर? निश्चय ही। दरअसल क्या है कि जब तक आपको अपने अपने बोध में ऐसा महसूस नहीं होता है कि आप भी दिव्य हैं, जब तक वो मायिक आवरण पड़ा हुआ है, आप ऐसा मानते हैं कि एक परमात्मा और एक मैं हूं, दोनों के बीच में एक पार्थक्य है। परमात्मा होने की अनुभूति ही उस समय होती है जब आप परमात्मा के विराट समुद्र में अपने को विलीन करते हैं, उस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं और एक दिन उसमें विलीन हो जाते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर यदि आपके पास समय है तो हमारा एक और प्रश्न था आसीमा त्रिपाठी जी का कि आपने जो सनातनता के बारे में बताया उसके ऊपर एक बार पुनः प्रकाश डाले दो। देखिए बड़े महिमा और मूल्य के शब्द हैं ये, मुझे समय मिले तो सनातन और सनातनता पे एक पूरा व्याख्यान होना चाहिए। दरअसल मैं अभी आपसे ये कह रहा था कि हम अपनी ज्ञान परंपरा और संस्कृति के संदर्भ में गलती से बहुत बार प्राचीन शब्द का उपयोग करते हैं। प्राचीन संस्कृति हमारी, इतनी प्राचीन सभ्यता, इतना प्राचीन ज्ञान, प्राचीन क्या होता है? मैं अनेकों सभाओं में इस बात को कहता रहता हूं कि बहुत ठीक से समझ लो कि भारत में ज्ञान जो है वो प्राचीन नहीं हुआ है। बहुत ठीक से समझ लो के संस्कृति के रूप निरंतर बदलते रहते हैं लेकिन उसका केंद्र नहीं बदलता है, क्योंकि उसका केंद्र जो है वो हमारा ज्ञानात्मक बोध है ना। तो उसमें प्राचीन क्या, प्राचीन का मतलब एक बार जो संभव हुआ और अगर नष्ट हुआ तो हमेशा के लिए चला गया, वो तो तुम्हारी स्मृति हो गई, तुम्हारा होना नहीं हुआ। लेकिन भारत में सनातनता शब्द का जब हम उपयोग करते हैं तो इसका अर्थ है कि इसमें प्राचीन कुछ नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो हर क्षण अपने को नया करती चली जाती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पता नहीं किन क्षणों में कभी मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी कि वह जो मुझ तक आया शिराओं में बहता मेरा उत्तराधिकार, मेरे रक्त में दौड़ रहा है, शिराओं में बहता मेरा उत्तराधिकार, अब कौन पूछता है मुझसे समय, इस समय तो मेरी घड़ी में कितने हजार साल बच के आज रात का तीसरा पहर बजा है। मैं निद्राहीन, मैं जाग रहा हूं, हैं? इस समय रात का तीसरा पहर बजा है लेकिन मेरे भीतर मेरे रक्त में कई हजार साल बज रहे हैं, एक ऐसी घड़ी एक भारतीय के रूप में पहने हुए हूं मैं। ये सनातनता है। मैं अपने साथ हजारों वर्षों की स्मृति, हजारों वर्षों का संस्कार, हजारों वर्षों का ज्ञान, हजारों वर्षों का सांस्कृतिक बोध अपने साथ लेके चलता हूं, अभी और इसी क्षण, जो अभी और इसी क्षण में हजार वर्षों में पाई गई संपदा को, विरासत को, उत्तराधिकार को अपना बनाता है वो सनातनता में। रोना धोना वो लोग करते हैं जो प्राचीनता में है कि गया, महानों ने किया था अब अपने बस का क्या है, प्राचीन कुछ।
भारत सनातन है, भारत का ज्ञान सनातन है, भारत की संस्कृति सनातन है और उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। उसके भीतर एक शक्ति है अपने को रोज नया करने की। आदिशंकर ने क्या किया, 1000 साल पहले बादरायण से अद्वैत का जो पूरा पूरी दार्शनिक पीठ का चली तत्वबोध चला है, 1000 साल पहले उसको नया कर दिया। क्या बदल गया वो? या एक बार फिर से जैसे बादरायण ने हजारों वर्षों के बाद शंकर के मुख का इस्तेमाल किया, शंकर की प्रतिभा का उपयोग किया है, शंकर की प्रज्ञा का उपयोग किया, आज और अभी का बनाया उसको। इस अर्थ में तो मैं कहता हूं कि ज्ञान नया नहीं होता, सदा ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं होती है। ज्ञान तो उतना ही है, जब अस्तित्व आया प्रकट हुआ उसके साथ उसके भीतर ही उसका ज्ञान भी समाहित था। ज्ञान को आप नए तरह, कोई ये दावा ना करे कि मैं कोई नया ज्ञान नया है, ज्ञान नहीं होता, ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं होती। बुद्ध में कोई नया ज्ञान नहीं, ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं थी। शंकर में ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं थी। एक एक सिलसिला है ना, ये रहस्य है। जब उपनिषदों का ऋषि ये कहता है कि ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा ज्ञान नहीं है, दरअसल मैंने फलाने से सुना था, ये चीज चली आ रही है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जिन्होंने समष्टि के सत्यों को जाना था वे समष्टि में ही समाहित ज्ञान को भी जानते थे। उसके बाद ज्ञान नया और पुराना नहीं होता, सिर्फ सनातन होता है। उस परंपरा में अगर आप हैं तो उसमें कुछ नवाचार करते चलते, अभिव्यक्ति नहीं होती रहती उसकी, ज्ञान नया नहीं होता, वो है इस अर्थ में सनातन है। ठीक है जी सर, बहुत 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 धन्यवाद जी। हमारी लोक संस्कृति, हमारी लोक संस्कृति से लेकर अध्यात्म की संस्कृति और ज्ञान की जो परंपरा है, उन सभी को आपने एक साथ समाहित किया, ये आपकी व्यापकता और विशिष्टता को दर्शाता है। हमारे राष्ट्रम परिवार की तरफ से तथा हमारे जितने भी एफडीपी प्रोग्राम के सदस्यगण हैं, उन सभी की तरफ से आपको तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपने समय दिया, आपके इस अमूल्य समय के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर। धन्यवाद। और निश्चित रूप से आपको सनातनता के लिए एक बार पुनः राष्ट्र में आमंत्रित करेंगे, उसके लिए एक अलग से हम पूरा आपको टॉक के लिए इनवाइट करेंगे। बिल्कुल जी, जी। मैं तो बहुत डरा हुआ था कि मैं बहुत पढ़े लिखे और वृद्ध लोगों के बीच बोलने के लिए आमंत्रित हूँ तो गड़बड़ा ना जाऊं, तो मतलब जी इस पे मेरा एक जी इस पे मेरा सर व्यक्तिगत टिप्पणी है आप पे कि आपकी जो हिंदी पे जो पकड़ है, जो गहराई है, वो एक अद्भुत है जी, बहुत अद्भुत। सर एक बार फिर कभी आप हम लोग को ऐसा व्याख्यान दें जिसमें हम लोग फिर से आनंदित हों और कुछ और आपसे जाने जाने और समझे, कभी एक बार और आप टाइम दीजिए। जी जी जी, मैं जरूर कोशिश करूंगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा जी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।